जिसको हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। तो आज हम बायोडायवर्सिटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बायोडायवर्सिटी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक बायोडायवर्सिटी। देखिए दोस्तों, बायोडायवर्सिटी जो शब्द सबसे पहले दिया था वो दिया था रोएंटजेन ने, और बायोडायवर्सिटी का जो जनक माना जाता है वो विल्सन को माना जाता है। चलिए तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत हम बायोडायवर्सिटी किसी क्षेत्र में, किसी एरिया में या फिर किसी देश के अंदर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जो जीवों में विविधताएं पाई जाती हैं, चाहे वो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, वो सभी हमारे बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। बायोडायवर्सिटी को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। इसे देख सकते हैं यहाँ पर, प्रजाति जैव विविधता, आनुवंशिक जैव विविधता, और तीसरा जो हमारा है पारिस्थितिक जैव विविधता। प्रजाति जैव विविधता में किसी एक प्रजाति के अंदर, किसी एक प्रजाति के अंदर जितने भी प्रकार की जैव विविधताएँ पाई जाती हैं उसको प्रजाति जैव विविधता, और किसी एक जाति के अंतर्गत जितनी जैव विविधताएँ पाई जाती हैं उसे आनुवंशिक जैव विविधता, और किसी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम जो हमारा होता है उसके अंदर पाई जाने वाली विविधता को पारिस्थितिक जैव विविधता कहा। आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसे ये हमारा अर्थ है, और अर्थ में यहाँ पर देख सकते हैं ये बीचों बीच, अर्थ के बीचों बीच मेडिटेरियन या फिर भूमध्य रेखा, और इसके 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा और 23.5 डिग्री नॉर्थ में यहाँ पर कर्क रेखा देखने को मिलती है। और इस इन कर्क और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राज़ील के अमेजन फॉरेस्ट। तो जो ब्राज़ील के अमेजन फॉरेस्ट हैं इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जैव विविधताएँ पाई जाती हैं, बहुत सारे वास्कुलर प्लांट्स, एनिमल्स भी पाए जाते हैं जो कि लंग्स का काम करते हैं पूरी अर्थ के लिए। तो आगे बढ़ बायोडायवर्सिटी में आज हम भारत की बायोडायवर्सिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो भारत में बायोडायवर्सिटी के जो मेन क्षेत्र हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, एक तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, इसके अलावा इंडो वर्मा, ये तीनों हॉटस्पॉट भी हैं। और इसके अलावा जैसे कि पश्चिमी घाट, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है केरला महाराष्ट्र वाला एरिया, वो हमारा पश्चिमी घाट, और पूर्वी हिमालय जो हमारा नॉर्थ ईस्ट हिमालय इसके अंतर्गत आता है, और ये जो इंडो वर्मा वाला है इसमें, ये इंडो वर्मा जो हॉटस्पॉट है ये इंडिया, चाइना, म्यांमार, कंबोडिया आदि देशों में फैला हुआ है। तो हॉटस्पॉट के बारे में समझ लेते हैं। हॉटस्पॉट किसी ऐसे क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता देखने को मिलती है। हॉटस्पॉट जो शब्द है वो सबसे पहले नॉर्मन मेयर्स ने दिया था 1968 में। तो नॉर्मन मेयर्स ने हॉटस्पॉट शब्द जो है वो 1968 में दिया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यही ध्यान में रख सकते हैं कि हॉटस्पॉट जो शब्द है वो किसने दिया था, नॉर्मन मेयर्स ने दिया था 1968 में। इसके अलावा जो पूरा विश्व हमारा है उसमें 1999 तक कुल 25 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई थी जहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। ये हॉटस्पॉट को रक्षा करने के लिए या यहाँ पर डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए हॉटस्पॉट चिन्हित किए जाते हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में 34 हॉटस्पॉट बनाए जा चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा पश्चिमी घाट है वो 16,000 स्क्वायर किलोमीटर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, 7,500 किलोमीटर स्क्वायर के साथ पश्चिमी हिमालय, और पश्चिमी हिमालय का जो क्षेत्र है वो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध जो है गंगेटिक डॉल्फिन या गंगा नदी में जो पाई जाने वाली डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है तो यहाँ पर इसको आप लोग ध्यान में। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक होती है स्थानबद्ध जाति। स्थानबद्ध जाति या इसको किसी विशेष क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जाति है या स्पीसीज है उसको स्थानबद्ध जाति कहते हैं, जैसे कंगारू। कंगारू जो है एक तरह का, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, बहुत फेमस है कंगारू।
इसके अलावा भारत 7.8% जैव विविधता, पूरे विश्व की जो 7.8% जैव विविधता है वो हमारे भारत में पाई जाती है। विश्व के 17 बृहद जैव विविधता क्षेत्रों में, जो है भारत शामिल है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भागलपुर जो बिहार है, भागलपुर कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, और यहाँ पर जो गंगे डॉल्फिन उद्यान बनाया जा रहा है गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए। इसके अलावा आगे देख सकते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है IUCN के बारे में। IUCN एक तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो किया गया था वो 1948 में किया गया था। ये क्या करता है, रेड डाटा बुक, आपने सुना होगा लाल किताब इसको कहते हैं, 1972 से रेड डाटा बुक में क्या करता है, ऐसी इंडेंजर्ड मतलब जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं इनको रेड डाटा बुक में इनको प्लेस देती है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा WWF वर्ल्ड वाइड फंड एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1968 में किया गया था, और इसका जो सिंबल है वो लाल पांडा रखा गया है। ये क्या करता है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के क्षेत्र में। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हमारा, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारत में जो जैव विविधता संरक्षण में सबसे पहला प्रयास किया गया था वो 1972 का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है वन संरक्षण अधिनियम, ये 1980 में, यानी 1972 से 8 साल बाद हमारा वन संरक्षण अधिनियम जारी किया गया था। इसके अलावा विश्व स्तर पर जो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनमें देखिए यहाँ पर साइट्स, ये साइट्स यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट साइट्स, CITES करके साइट्स, फुल फॉर्म आप इसका देख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, 1975 से ये प्रभावी है। इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, एंडेंजर्ड का मतलब जो ऐसी स्पीसीज हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं उनके ट्रेड से संबंधित है कि ताकि उनका अवैध व्यापार रोका जा सके। इसके अलावा CBD एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी, ये 1992 में हुआ था, एक तरह की संधि है जिसको पृथ्वी सम्मेलन या रियो डी जेनेरो में ये सम्मेलन हुआ था विश्व के बहुत सारे देशों के बीच। तो कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी विश्व के देशों के बीच में एक संधि है ताकि बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जा सके। इसके अलावा जैव विविधता अधिनियम 2002 का, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इसके बारे में देख सकते हैं, NBASPB BMC, ये इसके अंतर्गत अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, जैसे NBA हो गई नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, SBB स्टेट बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, BMC बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ये भारत के अंदर जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा देख सकते हैं जो पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, पहला पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम स्वीडन में पड़ता है, और 1972 में ये सम्मेलन हुआ था, इसको विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहते हैं, स्टार लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था, पहला पर्यावरण सम्मेलन 1972 के अंदर। इसके अलावा थोड़ा सा पृथ्वी सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं, पृथ्वी सम्मेलन जैसे कि बताया जो रियो डी जेनेरो में संपन्न हुआ था 1992 में, उसी को हम कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। तो इसका इसके ये दो तीन पार्ट्स में हुआ था, फर्स्ट जो रियो डी जेनेरो में हुआ था ब्राज़ील में 1992 में, इसमें 194 टोटल देशों ने भाग लिया था, और एजेंडा 21 करके इनका एक एजेंडा रखा गया था, एजेंडा 21, जिसमें बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए थे। अब यहाँ देखिए Rio+5, मतलब जो रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था उसके प्लस 5 साल बाद दूसरा सम्मेलन इनका होता है न्यूयॉर्क में 1997 में, इसमें क्या किया गया, एजेंडा 21 की समीक्षा की गई, जो वहाँ पर उन्होंने नियम प्रावधान बनाए थे उनकी समीक्षा के लिए ये किया गया था। फिर देखिए Rio+10, ये थर्ड सम्मेलन था जो जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है फैक्ट्स, इसमें आप
चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या एक बार दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए वेरियस कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। रियो प्लस 20 रियो डी जेनेरो में वापस दोबारा से हुआ था। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में पड़ता है और ये हुआ था 2012 में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो इसमें हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सतत विकास, या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थोड़ा सा समझ लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो हमारे अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज हमें इस तरह से करना है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो उपयोगी हो सके। तो सतत विकास की जो अवधारणा है वो सबसे पहले 1987 में निकल के आई थी, और इसमें एक फेमस आयोग है ब्रंटलैंड आयोग इसको बोलते हैं हम। ये ब्रंटलैंड एक व्यक्ति थे, नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, इनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ था। और WCED भी इसको कहते हैं, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये कमीशन का गठन किया गया था और पर्यावरण के विकास के लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड लेवल, और भारत में जो पर्यावरण संरक्षण के लिए संगठन है या जो प्रयास किए गए थे उनके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी हासिल की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, अब भारत के संबंध में देख लो 1730 में, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बायोडाइवर्सिटी से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो 1730 में राजस्थान में क्या हुआ था, चिपको आंदोलन की तर्ज पे, जैसे कि हमारा जो फेमस आंदोलन था चिपको आंदोलन, वो इसी की तर्ज पे उत्तराखंड में देखने को मिला था, जिसमें कि जो रैणी गांव में एक फेमस आंदोलन था, उसके बारे में हम कभी आने वाली वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। तो राजस्थान में जो ये आंदोलन हुआ था, ये खेजड़ी एक वृक्ष होता है राजस्थान में, जो कि जोधपुर में पाया जाता है, और ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अमृता देवी इस आंदोलन की सूत्रधार थी, इनको पुरस्कार भी दिया गया था। और इस आंदोलन में 363 लोग शहीद हो गए थे, इन्होंने वनों के संरक्षण के लिए राजस्थान में यानी खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया था, तो ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हमने इम्पोर्टेंट जो पर्यावरण प्रदूषण से होने वाले रोग हैं उनको इंक्लूड किया है। जैसे अगर पर्यावरण में कैडमियम की अधिकता पाई जाती है तो इससे क्या हो सकता है, इटाई रोग हो जाता है, पारासेमिनीमाटा, ये इम्पोर्टेंट है जनरल साइंस में, या फिर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न होने की संभावनाएँ ज़्यादा रहती है। अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये बेबीज़ में देखने को मिलता है। इसके अलावा फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है तो फ्लोरेसिस, इससे क्या हो जाते हैं हमारे दांत या अस्थियां जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, मतलब कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा सिलिकन की अगर अधिकता हो जाती है तो सिलिकोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चेर्नोबिल दुर्घटना के बारे में, ठीक है। तो पर्यावरण से रिलेटेड ये क्या है, इम्पोर्टेंट एक तरह से एक दुर्घटना हुई थी जिससे बहुत ज़्यादा क्षति देखने को मिली थी। इसमें क्या हुआ था कि एक जो पावर हाउस था चेर्नोबिल के अंदर, उसमें आग लग गई थी। तो ये 26 अप्रैल 1986 में, ये डेट ध्यान रखनी है, 26 अप्रैल 1986 में चेर्नोबिल दुर्घटना हुई थी। और वहीं से इसमें क्या होता है, फिर वेरियस टाइप ऑफ, जब देखा गया कि इतनी सारी पर्यावरण से रिलेटेड दिक्कतें आ रही है तो पर्यावरण के लिए कानून बनाए गए, ठीक है। तो भारत में इसके लिए सबसे पहले जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 में बनाया गया। इसके अलावा वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1981 में आया। ध्वनि प्रदूषण रोकथाम अधिनियम सन 2000 में निकल के आया। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का, और वन्यजीव संरक्षण 1972, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, ये कानून आपको ज़रूर ध्यान में रखने हैं। ये भारत में होने वाली जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और थोड़ा सा लास्ट में हम डिस्कस करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। मॉन्ट्रियल एक जगह है जो कि कनाडा में पड़ती है, और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निकल के आया था 26 अगस्त 1987 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 26 अगस्त 1987 कनाडा में एक जगह है मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निकल के आया था 1987 में। सबसे पहले क्या हुआ था, 1980 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र देखा गया था। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत संरक्षण के लिए है,
और इसमें 46 देशों ने समझौते में भाग लिया था। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ओजोन है, ओजोन परत है, वो हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या करती है, पृथ्वी पर आने वाली प्रावैगनिक किरणों को रोकती है। ओजोन प्रावैगनिक किरणों को रोकती है, लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, हमारी मानवीय गतिविधियों के कारण इसमें इतने सारे प्रदूषक हो गए हैं कि जो ओजोन परत का ह्रास कर रहे हैं, तो अंटार्कटिका में 1980 में सबसे पहले ओजोन छिद्र देखा गया था, जिससे क्या होती हैं, प्रावैगनिक किरणें अर्थ पर आ जाती हैं, जिससे वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़ इंसानों के अंदर देखने को मिलती है। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, फैक्ट हमने डिस्कस किए, और इनसे बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में क्या प्रयास किए गए, जैव विविधता क्या होती है, इसके अलावा हॉटस्पॉट क्या होते हैं, तो ये सब हमने डिस्कस किया है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के रूप में, जो कि हमें एग्ज़ाम्स में काम आने वाले हैं। तो ये हमारा इस चैनल पर पहला छोटा सा प्रयास है, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसके अलावा कुछ आप लोगों के सुझाव हों तो वो बताएं, पहला वीडियो है इस चैनल पर, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करें, और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, और कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा हम किस टॉपिक पे आगे डिस्कस करें, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।